सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का फोर्थ चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल का क्विक रिवीजन, बिकॉज हम लोगों ने लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन कर लिए हैं, वर्ड मीनिंग्स भी हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम जस्ट बात करेंगे इनके क्विक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में एंड रिवाइज करेंगे लाइक अ शॉर्ट समरी। ये वीडियो होगी आपकी शॉर्ट समरी के लिए, सो दैट आप जल्दी से जल्दी इसे देखकर समझ सको। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल किसने लिखा है? पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा था। क्यों लिखा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन के इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए, हम सबको इंस्पायर करने के लिए हम कह सकते हैं, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान फिजिसिस्ट थे, लाइक फिजिक्स के बहुत ही बड़े स्कॉलर थे। और उनके बारे में ये जानना कि वो बचपन में बाकी के साइंस और मैथ्स के अलावा के सब्जेक्ट्स में वो बहुत ही ज्यादा बुरे थे, ये जानना और ये मानना बहुत ही मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। बिकॉज सारे के सारे बच्चे अभी भी, अगर आप देखें, बहुत सारे हम में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका मैथ सही नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश और हिंदी SST ये सारी चीजें अच्छी नहीं होगी। सो हम लोगों में भी है ऐसा, बट हम लोगों को हमेशा लगता है कि नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ पढ़ने में, मैं अच्छी नहीं हूँ पढ़ने में। बट यहाँ पर आइंस्टाइन जो सारे सब्जेक्ट्स उनको पसंद नहीं थे, उन सारे सब्जेक्ट्स को छोड़कर जिन सब्जेक्ट्स को ये पसंद करते थे उन पे इन्होंने फोकस किया, और जिस वजह से आज हम इन्हें जानते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी हिस्ट्री टीचर से, कि किस तरीके से हिस्ट्री टीचर एल्बर्ट आइंस्टाइन को पूछते हैं, एल्बर्ट को पूछते हैं कि चलो बताओ एल्बर्ट, या बताओ आइंस्टाइन, ये जो हमारी पोर्शियन वाटरलू की लड़ाई हुई थी जहां पर पोर्शियंस ने फ्रेंच को डिफीट किया था, वो कब हुआ था? एंड आइंस्टाइन कहते हैं, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता है कब हुआ था, मैं नहीं जानता, ऐसे डेट मैं नहीं जानता। टीचर ने पूछा, क्यों? मैंने तो तुम्हें इतनी बार बताया है, तुम क्यों नहीं पता? तो फिर तुम्हें, सो आइंस्टाइन वॉज, बुक में तो सारी चीजें सारी फैक्ट्स लिखी हुई है, तो मैं, मुझे याद करने की क्या जरूरत है? एंड टीचर कहते हैं कि तो बुक में तो वैसे भी सब कुछ लिखी हुई रहती है, तो फिर तुम पढ़ाई मत करो, मतलब तुम्हें एजुकेशन सिस्टम से ही परेशानी है। एंड देन हमारे आइंस्टाइन इन्हें बताते हैं कि एजुकेशन का मतलब, उनके लिए एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप रट कर आगे बढ़ जाओ, उन्हें लगता है कि उन सोल्जर्स में से कितने सोल्जर्स मरे ये नहीं, बल्कि क्यों लड़ रहे थे वो सोल्जर्स, क्यों एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे, क्यों ये लड़ाइयां हो रही थी, उसके पीछे का रीजन जानना चाहते हैं, ये फैक्ट्स जानना चाहते हैं, क्यों हुआ था ऐसा। लिखी हुई चीजें बुक्स पे लिखी हुई, वो डेट्स जानकर कोई फायदा है नहीं, जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, बट क्यों हुआ था ये चीजें, क्यों हुई थी ये चीजें। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें सुनकर उनके टीचर उनसे कहते हैं कि ठीक है, तो फिर अगर तुम्हें मैं ये नहीं पूछ रहा तुमसे कि पढ़ाते कैसे हैं, या तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मुझे ये मत बताओ, और आज तुम एक घंटा एक्स्ट्रा रुकोगे यहाँ पर क्लास करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर, ऑल दो ना तुम्हें इससे कोई फायदा होगा, ना मुझे या स्कूल को इससे कोई फायदा होगा अगर तुम एक घंटा रुक भी जाते हो तो। एंड उन्हें डांट पड़ती है, और फिर उनके टीचर उन्हें कहते हैं, अपने पापा को क्यों नहीं कहते कि तुम्हें इस स्कूल से ले जाए, वो क्यों यहाँ पर तुम्हें रखे हुए हैं, तुम्हें पढ़ने का कोई मन नहीं है तो। एंड जब वापस, जब हमारे आइंस्टाइन जब घर वापस आ रहे होते हैं, तो वो सोच रहे होते, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं कि लाइक उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इस वजह से नहीं कि इतना ज्यादा बुरा दिन गया, उनके टीचर ने उन्हें इतना ज्यादा डांटा, बट इस वजह से कि वापस से उसी स्कूल में उन्हें कल दोबारा जाना पड़ेगा जहां वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते। एंड फिर वो सोचते रहते हैं कि मेरी लाइफ यहाँ पर म्यूनिक में कितनी ज्यादा बुरी है, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहां पर हमेशा शोर शराबे चलते रहते हैं, जो लैंड ओनर है, लैंड ओनर के पति उन्हें मारते हैं सैटरडे संडे आकर, लैंड ओनर अपने बच्चों को पूरे हफ्ता मारते रहती है, सैटरडे आकर उनके पति, लैंड ओनर के पति उन्हें मारते हैं दारू वारू पीकर, तो हमेशा ही हल्ला गुल्ला होता रहता है, मेरी लाइफ कितनी बुरी है यहाँ पर म्यूनिक में, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। सो ये तो हो गया ये आइंस्टाइन इनकाउंटर विद हिस्ट्री टीचर, फिर आइंस्टाइन डिसएन्चैंटमेंट विद द स्कूल, कि वो स्कूल से कितने ज्यादा परेशान है, वो रहना चाहते नहीं है बट उन्हें रहना पड़ रहा है वहां पर। एंड उसके बाद है आइंस्टाइन एल्सा वर्सेस एल्सा ऑन एजुकेशन। सो एल्सा कौन है? एल्सा आइंस्टाइन की कजिन है,
और यहाँ पर एल्सा से मिलने से पहले आइंस्टाइन और यूरी की बातें हो रही थी, जहां पर आइंस्टाइन यूरी से कहते हैं तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे जगह पर रहते हो, मैं तो ऐसे जगह पर रहता हूँ जहां पर हमेशा हल्ला गुल्ला चलता रहता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो जगह, पर तुम पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के साथ रहते हो। एंड यूरी कहता है उन्हें कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के साथ रहता हूँ। तो क्या हुआ, तुमने वो स्टोरी नहीं सुनी दो दिन पहले की स्टोरी, जहां पर एक स्टूडेंट ने दूसरे को मार दिया था, जान से मार दिया, और डुअल में उसने जान से मार दिया दूसरे स्टूडेंट को। एंड फिर वो उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि उसने किसी दूसरे इंसान की जान ले ली, बट उसे इस बात की फिक्र है कि उसके जो चेहरे है उसके चेहरे पर कोई एक मार्क क्यों नहीं पड़ा। मार्क का मतलब होता है उसे ब्रेवरी की निशानी क्यों नहीं मिली, उसे इस बात की फिक्र है। तुम तो फिर भी लोगों के लाइक सिविलाइज लोगों के आसपास रहते हो, तुम्हारा घर तो फिर भी ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे पास खुद का रूम है, यूरी कह रहे हैं इन्हें। एंड ये सारी चीजें तो हुई, ये बता रहे हैं यूरी को कि कितना बुरा है इनका सिचुएशन, ये कितनी बुरी हालत में है एंड ऑल दैट। फिर इनकी बहन आती है एल्सा, इनकी जो कजन है एल्सा, वो यहाँ पर म्यूनिक आती है इनसे मिलने के लिए। एंड वो एल्सा को बताते हैं अपनी सारी चीजें, अपनी सारी बातें। बट एल्सा के फादर कौन थे, वो बिजनेसमैन थे, और एल्सा कहाँ रहती थी, यूजुअली वो बर्लिन में ही रहती थी। एंड एल्सा इन्हें बताती है कि तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, थोड़ा बहुत बस रट लो ना, रट कर बस पास हो जाओ, पास होने भर रटो। मैं तो तुमसे भी बहुत ज्यादा बुरे बुरे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो बिल्कुल ही गधे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, पढ़ाई लिखाई वो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तुम तो फिर भी बहुत अच्छे हो, तुम्हें पास ही तो करना है, एक डिप्लोमा ही तो करना है तुम्हें कंप्लीट, एक डिग्री ही तो चाहिए, बस रट कर पास हो जाओ। एंड आइंस्टाइन कहते हैं यही तो नहीं होता मुझसे, मैं रट नहीं सकता, मैं रट्टू तोता नहीं बन सकता, मैं समझ जाता हूँ चीजें, मुझे मैथ साइंस बहुत अच्छी लगती है, मैं समझ जाता हूँ चीजें, पर मैं रट्टू तोता नहीं बन सकता, मैं रट कर नहीं लिख सकता, अगर ये कर ही पाता तो कोई टेंशन ही नहीं थी मुझे तो। उसके बाद फिर एल्सा इनसे पूछती है कि तुम हमेशा, ये कौन सी बुक है जिसे हमेशा अपने साथ लेकर घूमते रहते हो, तो आइंस्टाइन कहते हैं ये जियोलॉजी की बुक है। तो एल्सा कहती है क्या तुम्हें ये पसंद है, बोला एक यही तो सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एक यही तो चीज है जो मुझे जिंदा रखे हुए लाइक कंफर्टेबल फील कराती है, एक साइंस और एक म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनकर, मैं वायलिन बजाकर बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। एंड ये अपना बताते हैं कि मैं वायलिन बजाता हूँ, ये बजाते हैं अपने रूम में वायलिन जब इनको मन करता है तो। एंड इनकी लैंड ओनर आके इन्हें हमेशा बंद करवा देती है, बोलती है कि मेरे बच्चे क्या कम चिल्ला रहे हैं कि तुम भी एक रोने का आवाज लेकर बैठ गए, तुम्हारे वायलिन की आवाज से मुझे मेरे सर पे दर्द होता है। एंड आइंस्टाइन ये कहना तो चाहते हैं कि आपके बच्चों को तो आप खुद रुलाती है, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं, इनको बोलकर कुछ फायदा नहीं है, फिर ये मुझे और ज्यादा लेक्चर दे देंगी, कुछ ज्यादा ही देर का लेक्चर मुझे मिल जाएगा, तो बेटर है कि मैं कुछ ना बोलूं इनको। सो किड्स हॉलिंग, बच्चे चिल्लाते रहते हैं, एंड ये बहुत ही ज्यादा एब्सर्ड लगता है। और यूरी को अब यहाँ पर ये सारा तो सिचुएशन हो गया, जब वो अपनी बहन से बात कर रहे हैं, ये अपने बारे में बता रहे हैं कि कितना अच्छा लगता है उन्हें साइंस बनाना, मैथ्स क्लास वो कितना इंजॉय करते हैं, और ये भी बोलते हैं कि स्कूल में मैथ्स और साइंस के क्लासेस उतने अच्छे से नहीं होते, और ये भी बोलते हैं कि उन्हें म्यूजिक सुनना और वायलिन बजाना कितना ज्यादा पसंद है, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये। फिर उसके बाद यूरी से मदद मांगते हैं ये, अल्बर्ट आइंस्टाइन यूरी से मदद मांगते हैं कि यूरी प्लीज मेरी मदद कर दो, अगर तुम्हारे पास कोई साइंटिस्ट लाइक साइकोलॉजिस्ट का नंबर है तो प्लीज मुझे दे दो, मैं नहीं रह सकता, लाइक 6 महीने 7 महीने कुछ भी के लिए मुझे दूर कर दो यहाँ से, मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता यहाँ पर मेरा दम घुटता है, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मेरा दिमागी हालत बिगड़ जाएगा। और यूरी कहते हैं कि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं डॉक्टर्स, और एल्बर्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अगर सच में तुम्हारा कोई फ्रेंड है डॉक्टर तो प्लीज़ उसे बोलो, प्लीज़ कि वो मेरी मदद कर दे, और उसे बोलो कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, लाइक उसे ये बोलो कि वो मेरे रिपोर्ट में ऐसा लिखते कि मैं अगर स्कूल जाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो मुझे स्कूल से दूर रखे। यूरी ये कहते भी हैं कि ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि कोई डॉक्टर तुम्हें ये लिख कर देगा कि तुम स्कूल मत जाओ 6 महीने 7 महीने के लिए, तुम स्कूल मत जाओ, और अगर स्कूल जाओगे स्कूल से दूर रहना तुम्हारे लिए अच्छा है, ऐसा तो कोई डॉक्टर लिख कर दे नहीं सकता, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो एल्बर्ट लाइक
एल्बर्ट फिर ये कहने लगते हैं प्लीज 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 कोशिश करना, प्लीज तुम्हें अगर कोई साइकोलॉजिस्ट मिल जाए तो प्लीज उसे ढूंढ दो. एंड यूरी वॉज लाइक हाँ मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ बट जानता हूँ बट अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगा. एंड इफ आई डू आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प. लाइक अगर मैं अपॉइंटमेंट तुम्हारा फिक्स कर भी दूँ तो मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी मदद करने के लिए राजी होगा भी या नहीं होगा. ओह नहीं नहीं वो हो जाएगा, एल्बर्ट कहते हैं नहीं नहीं वो हो जाएगा, मैं उन्हें राजी कर लूंगा, मैं उन्हें बोल दूंगा सारी चीजें. सो यहाँ पर क्या हुआ अब कि यूरी उनका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं डॉक्टर अर्नेस्ट से. एंड अर्नेस्ट के पास जाने से पहले लाइक यूरी एल्बर्ट को बस इतना ही कहते हैं कि उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, तुम डॉक्टर को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना क्योंकि उसे समझ आ जाएगा और तुम्हें बिल्कुल भी झूठ बोलना नहीं आता, तुम झूठ नहीं बोल सकते तो तुम उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना. एंड एल्बर्ट इतने ज्यादा नर्वस हो गए थे, वो सच में बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गए थे कि क्या बोलूंगा मैं, क्या कहूंगा डॉक्टर से, अगर डॉक्टर ने मेरा झूठ पकड़ लिया तो, अगर डॉक्टर को ऐसा लगा कि मैं बहाना कर रहा हूँ मुझे स्कूल नहीं जाना तो फिर क्या होगा, वो अगर मुझे रिपोर्ट नहीं लिख कर देंगे तो क्या होगा. एंड इतने सब कुछ करने के बाद फिर वो शाम को जाते हैं एंड शाम को जाने के बाद वहां पर जाकर वो अपनी बात बताएं. उससे पहले ही डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि यूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दिमागी हालत सही नहीं है, दिमागी हालत सही नहीं है से मतलब है कि तुम स्कूल से बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्कूल जाना नहीं चाहते और तुम मुझसे क्यों मिलने के लिए आए हो. तो एल्बर्ट कहते हैं कि यूरी ने सब बता दिया आपको, बस आप ये मत समझना कि मैं कोई बहाने बना रहा हूँ, मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ. तो डॉक्टर कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम बहाने नहीं बना रहे हो, अगर बहाने बना रहे होते तो तुम यहाँ पर, अगर तुम सीरियस नहीं होते तो तुम यहाँ नहीं आते मेरे पास. सो मैं जानता हूँ. अच्छा आप बताओ कि कितने दिनों के लिए, अगर 6 महीने के लिए मैं ये लिख दूँ रिपोर्ट पे कि 6 महीने के लिए तुम्हें स्कूल से दूर रहना पड़ेगा तो क्या ये सही है. तो बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही होगा. उसके बाद फिर डॉक्टर पूछते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो, लाइक यहाँ पर से 6 महीने के लिए अगर तुम चले जाओगे, 6 महीने यहाँ पर स्कूल नहीं आओगे तो फिर तुम क्या करना चाहो. तो वो कहते हैं कि मैं मैथ्स के क्लासेस लेना चाहूंगा, अपने पापा, मेरे पापा जहाँ पर रहते हैं वहां पर जाकर मैं अपने पापा के पास चला जाऊंगा, इटालियन कॉलेज में अपना नाम लिखवाऊंगा और मैथ्स के लाइक मैथ्स लेकर आगे बढ़ूंगा. तो डॉक्टर को थोड़ा सा डाउट होता है कि ये पढ़ता पढ़ने लिखने में इसको मन नहीं लगता है कि मैथ्स डिप्लोमा करेगा इटालियन कॉलेज से. तो फिर उन्होंने पूछा कि इसके बारे में तुमने कुछ सोचा है, लाइक कैसे जाओगे. तो फिर इन्होंने कहा कि मैं अपने मैथ्स टीचर से रेफरेंस ले लूंगा, मेरे मैथ्स टीचर मुझे बहुत पसंद करते हैं. यूरी का भी यही क्वेश्चन था. एंड डॉक्टर ने कहा कुछ फीस है तुम्हारे पास देने को, अगर नहीं तो कोई बात नहीं तुम यूरी को खाना खिलाने ले जाना. और ये कहते हैं लाइक प्रिटेंड करते हैं कि हाँ ठीक है मैं यूरी को खाना खिलाने लेकर चला जाऊंगा. एंड यहाँ पर डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं यूरी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तुम उसे खाना खिलाने ले जाना और मुझे लगता है तुम्हारा भी, यूरी तुम्हारा भी बहुत अच्छा दोस्त है. तो ये सारी चीजें होती है. यूरी उन्हें कहते हैं कि अगले दिन जब तुम जाओगे स्कूल तो पहले मैथ्स टीचर से बात करना, अपना रेफरेंस लेना, उसके बाद ही प्रिंसिपल सर से बात करने जाना, भूलना मत. एंड अगले दिन वो जाते हैं मैथ्स टीचर से बात करते हैं, मैथ्स टीचर को बोलते हैं कि सर मेरे रेफरेंस लिख दीजिए. एंड उनके मैथ्स टीचर उनसे कहते हैं मुझे पता था कि तुम आओगे, तुम स्कूल छोड़ने वाले हो ना. तो एल्बर्ट कहते हैं, एल्बर्ट वॉज लाइक कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं. वो कहते हैं कि आपको कैसे पता चला, लाइक मैंने तो ये आपको नहीं बताया. तो उनके मैथ्स टीचर कहते हैं कि मुझे तुमसे, तुम्हारे डिसीजन लेने से पहले से पता है कि तुम क्या चाहते हो. तो वो लिख देते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस लेटर लिख देते हैं एंड कहते हैं कि हाँ तुम्हें तो मैथ्स इतना ज़्यादा आता है, तुम तो वैसे भी मेरे क्लास में बोर होते होगे. तो एल्बर्ट कहते हैं नहीं, एक यही तो क्लास है जिसमें मैं बोर नहीं होता, जिसमें मैं पढ़ाई करता हूँ, जिसे मैं इंजॉय करता हूँ. एंड उनके टीचर कहते हैं, एल्बर्ट के टीचर कहते हैं कि तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा मैथ्स आती है, तुम्हें मुझसे सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमने जितना भी मैथ्स यहाँ पर पढ़ाया जाता है वो सब कुछ सीख लिया है. और उन्हें एक रेफरेंस लेटर देते. तब ही हेड टीचर जो है, हेड टीचर के पियान आते हैं एल्बर्ट को बुलाने के लिए. एल्बर्ट को लगता है अब मैंने क्या कर दिया, पक्का मुझे किसी, मेरे लेजीनेस की वजह से मुझे डांट पड़ने वाली है, मेरे हेड प्रिंसिपल मुझे डांटेंगे, पक्का वो मुझे डांटने के लिए बुला रहे होंगे. एंड एल्बर्ट को लगता है चलो ठीक है जाकर देखते हैं. प्रिंसिपल उन्हें बुलाते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं उनसे कि नहीं मैं आज तुम्हें डांटने के लिए नहीं, मैंने तुम्हें आज डांटने के लिए नहीं बुलाया है.
और एल्बर्ट सोचते हैं हाँ वैसे भी मैं कल स्कूल कर छोड़कर चला ही जाऊंगा तो आप पनिशमेंट दो भी तो क्या ही फर्क पड़ता है, अपने मन में सोच रहे हैं ये। एंड प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि अब हम लोग तुम्हें नहीं रख सकते अपने स्कूल में, कॉज तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पाते, टीचर्स सही से पढ़ा नहीं पाते तुम्हारी वजह से, क्योंकि हमेशा तुम रिवोल्ट करते रहते हो, हमेशा तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहते हो, तुम्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए अपने पापा को बोलो कि तुम्हें यहां से ले जाए, हम यहां से हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। तो एल्बर्ट वॉज लाइक, अरे ये क्या हो गया, मैंने इतनी मेहनत की, इतने ज्यादा लाइक साइकाइट्रिस्ट से लिखवा कर लेकर आया, सब कुछ किया और आप सामने से बोल रहे हैं। एंड एल्बर्ट ने उन्हें पूछा कि सर क्यों ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आप मुझे निकाल रहे हो। तो उनके प्रिंसिपल का जवाब यही था कि मैं आपको यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ। एंड एल्बर्ट वॉज लाइक, ऐसा लग रहा था उन्हें जैसे उनका रिपोर्ट जो है वो पॉकेट के अंदर जल रहा हो, आग लग गई हो उस रिपोर्ट पे, क्योंकि अब उस रिपोर्ट के कोई मतलब ही नहीं है, का कोई मतलब ही नहीं है। सो एल्बर्ट ने कुछ भी नहीं कहा, बोलना तो वो बहुत कुछ चाहते थे कि आपका स्कूल बकवास है, आपके टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता, आप अपने आप को क्या समझते हैं, ऑल दैट बहुत कुछ बोलना चाहते थे, पर एल्बर्ट ने कुछ भी नहीं कहा उस समय एंड वो पीछे मुड़कर चले गए। एंड उनके हेड टीचर ने उनसे कहा भी कि दरवाजा जाते वक्त दरवाजा लगा देना, पर उन्हें कहाँ सुनना था, उन्हें तो बस यहाँ से फ्रीडम चाहिए थी। एंड वो उस जगह से चले गए, उस स्कूल से चले गए, उन्होंने एक बार उस स्कूल को मुड़कर भी नहीं देखा। इवन वो म्यूनिक में ही नहीं रहना चाहते थे, उन्हें म्यूनिक में वो किसी को गुड बाय भी नहीं करना चाहते थे। एक ही इंसान था जिन्हें वो गुड बाय करना चाहते थे, वो था यूरी। यूरी के अलावा उन्हें म्यूनिक से कोई मतलब ही नहीं था, और म्यूनिक छोड़ने से पहले वो यूरी को गुड बाय करने के लिए जाते हैं। एंड यूरी का एक ही कहना है कि अब तुम पेरिस जा रहे हो, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, तो बस खुश रहना वहां जाकर, दुखी मत होना, और मैं भगवान से मनाऊंगा कि तुम एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जियो और बहुत नाम कमाओ। सो ये था हमारे चैप्टर का पूरा समरी, लाइक बिना एक भी डिटेल मिस किए मैंने शायद सारा चैप्टर बता दिया है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और क्या। सो थैंक यू वेरी मच।